दोस्तों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता हम सभी में होती है। इसे जानने के कई तरीके धर्म पुराणों में बताए गए हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का मतलब यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा। जीवन, मृत्यु और अगला जन्म सब कुछ हमारे कर्मों के आधार पर तय होता है। गरुड़ पुराण में हर कर्म का लेखा है, जो न केवल पाप पुण्य को निर्धारित करता है, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गलत कार्य करते समय कोई देख नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों, ऐसे पापों के गंभीर परिणाम हमें इस जीवन में ही नहीं, अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। अगले जन्म को लेकर जिज्ञासा होती है कि हम मनुष्य बनेंगे या पशु, अगर इंसान बनेंगे तो महिला या पुरुष के रूप में। गरुड़ पुराण में इस विषय पर कई रोचक बातें बताई गई हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। पाप कर्मों के अनुसार अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी, यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। कई बार बच्चे जन्म के समय किसी प्रकार के दोष के साथ आते हैं, जैसे किन्नर या विकलांग। विज्ञान इस पर तर्क देता है, जबकि धर्म में इसे कर्मफल दोष कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है, तब तक उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। जन्म लेते ही उसकी स्मृति खत्म हो जाती है। ईश्वर की माया के चलते वह मोह माया में उलझ जाता है और उसे परमात्मा के लिए समय नहीं मिलता। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जो व्यक्ति पराय स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नर्क भोगने पड़ते हैं। उसे कई योनियों में जन्म लेना होता है, जैसे भेड़िया, कुत्ता, सियार, कौआ और अंत में मनुष्य। जबकि जो व्यक्ति जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। यह कर्म फल सिद्धांत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अपने बड़े भाई का अपमान करने वाले को कौ नामक पक्षी के रूप में जन्म मिलने की बात भी बताई गई है। कौ का जीवन काल 10 साल तक होता है, फिर उसे मनुष्य योनि मिलती है। जो अपने मित्र का अपमान करता है, वह गधे की योनि भोगता है, जिसका जीवन काल 25 से 30 साल होता है। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट पहुंचाता है, वह कछुए की योनि में जन्म लेता है। कछुआ 300 साल तक जीता है, यह सजा बेहद लंबी होती है। जो अपने मालिक का विश्वास तोड़ता है, वह बंदर की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल व्यक्ति के कर्मफल पर निर्भर करता है। जो एहसान नहीं मानता, वह बिच्छू की योनि में जन्म लेता है। दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। एक चींटी भी मेहनती होते हुए अंततः मनुष्य के पैरों के नीचे आकर मर जाती है। इसी तरह आपके पिछले जन्म के कर्म अगले जन्म में आपके सम्मान को निर्धारित करते हैं। धन की चोरी करने वाले कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। जो चांदी की चोरी करता है, वह कबूतर बनता है। हत्या करने वाले को गधे की योनि में जन्म मिलता है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाले को कौवे की योनि में जन्म मिलता है। इसीलिए श्राद्ध करते समय कौवे को भोजन कराने का महत्व है। पापों के अंत के लिए सांप की योनि में रहने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वह स्वर्ग जाता है और मोक्ष के दरवाजे खोलता है। हमें इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक मोक्ष नहीं मिलता। जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नर्क भोग लेते हैं, तब भी पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है? भगवान विष्णु ने कहा है कि कई बार कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को अगले जन्म में भी बोझ उठाना पड़ता है। जैसे जो महिला के साथ दुष्कर्म करता है, वह अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। अगर पाप बड़ा है तो सजा भी गंभीर होगी। दोस्तों, अगर आप पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और ईश्वर की भक्ति करें। आपको इन योनियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म करें, ईश्वर का ध्यान रखें और आभार व्यक्त करें, तो आप इन योनियों से बच सकते हैं। आशा है कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।